तो दोस्तों आज है 5 अक्टूबर 2019 और चलिए आज का डेली करंट अफेयर की वीडियो में देख लेते क्या रहेगा क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट जो कि सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि यहाँ से आपको डेली करंट अफेयर की वीडियो साथ ही साथ किसी भी जॉब की न्यूज़ सबसे पहले दी जाती है और साथ ही साथ जीके की वीडियो भी यहाँ पर आप लोगों को दी जाती है। दोस्तों इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे अपने स्मार्ट बोर्ड पे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, किस राज्य सरकार ने राज्य में तंबाकू और पान मसाला उत्पादों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। तो किस राज्य सरकार ने की है, ऑप्शन ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी झारखंड और डी उड़ीसा। तो किस राज्य सरकार ने पान मसाला उत्पादों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है, तो राजस्थान सरकार ने, ठीक है राजस्थान। इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। राजस्थान ने सभी प्रकार के तंबाकू उत्पादों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है जिसमें पान मसाला उत्पादों का भंडारण, विज्ञापन और बिक्री शामिल है, ठीक है। भंडारण, विज्ञापन और बिक्री तीनों पर यहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इससे पहले दो राज्यों महाराष्ट्र और बिहार ने भी तंबाकू और पान मसाला उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया था, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। किस देश ने महात्मा गांधी के 150वीं जयंती के अवसर पर डाक टिकट जारी किया। तो ऑप्शन है इजराइल, बी फ्रांस, सी जर्मनी और डी इटली, ठीक है। तो गांधी जी के 150वीं जयंती के अवसर पर डाक टिकट किस देश ने जारी किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी फ्रांस, ठीक है। और इसके साथ बहुत सारे देशों ने जारी किया है तो उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑप्शन बी फ्रांस, ठीक है। उसके बाद महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर फ्रांस में गांधी जी की तस्वीर वाला एक डाक टिकट जारी किया गया है। फ्रांसीसी डाक सेवा कंपनी ला पोस्ट ने यह डाक टिकट जारी किया है। तो किसने यह डाक टिकट जारी किया है, फ्रांसीसी डाक सेवा कंपनी, ठीक है, जिसका नाम क्या है, ला पोस्टे, ठीक है, ला पोस्टे जारी किया है। गांधी जयंती पर दुनिया में कई देशों, उज्बेकिस्तान, तुर्की, फिलिस्तीन और अन्य देशों में भी इसी तरह के डाक टिकट जारी किए गए, ठीक है। तो उज्बेकिस्तान, तुर्की, फिलिस्तीन और इसके बाद यहाँ फ्रांस, इसके साथ चार देश यहाँ पे हो गए और इसके साथ कई देश हैं जो इसके साथ यहाँ पे डाक टिकट जारी किए हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत के पहले टेस्ट के दौरान अपना पहला टेस्ट शतक बनाया, ठीक है। किसने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत के पहले टेस्ट के दौरान अपना पहला टेस्ट शतक बनाया। ऑप्शन है चतेश्वर पुजारा, बी हनुमा विहारी, सी शुभमन गिल और डी मयंक अग्रवाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 का D, ठीक है, मयंक अग्रवाल। तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। मयंक अग्रवाल, भारतीय सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल ने 3 अक्टूबर 2019 को, ठीक है, ए सी ए वी सी ए स्टेडियम दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत के पहले टेस्ट में रिकॉर्ड प्रथम विकेट साझेदारी के बाद अपना पहला टेस्ट शतक बनाया, ठीक है। तो ये जो है ACA BCA यहाँ पे स्टेडियम कहाँ है, दक्षिण विशाखापट्टनम में है, ठीक है। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ यहाँ पे बनाया मयंक अग्रवाल जी ने, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, 4 नंबर, BCCI की क्रिकेट सलाहकार समिति CAC ने सभी 3 सदस्यों ने हाल ही में अपना इस्तीफा सौंप दिया, निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था। तो इसमें से कौन सा ऐसा 3 सदस्य जो दिया था और कौन सदस्य नहीं था जो यहाँ पे नहीं दिया था, तो इसमें आप लोगों को बताना है कौन सदस्य नहीं था, ठीक है। ऑप्शन ए कपिल देव, बी शांता रंगस्वामी, सी अंशुमान गायकवाड़, डी रवि शास्त्री। तो इसमें से इसका राइट आंसर दीजिए आप लोग, 4 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे रवि शास्त्री जी, डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं रवि शास्त्री जी के बारे में। BCCI के क्रिकेट सलाहकार समिति CAC के सभी 3 सदस्यों ने हाल ही में अपना इस्तीफा सौंप दिया। कपिल देव की अध्यक्षता वाली समिति में शांता रंगास्वामी और अंशुमान गायकवाड़ भी शामिल थे, ठीक है। कपिल देव की अध्यक्षता वाली समिति में शांता रंगास्वामी और अंशुमान गायकवाड़ भी शामिल थे। BCCI आचार अधिकारी सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति DK जैन द्वारा हितों के टकराव के लिए नोटिस दिए जाने के बाद सदस्यों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, ठीक है। अब चलिए चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। तो आज का 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, पाकिस्तान में करतारपुर गलियारे के उद्घाटन समारोह में भाग लेने के लिए पंजाब के CM अमरिंदर सिंह ने निम्नलिखित में से किसे स्वीकार किया है, ठीक है। तो किसे बुलाया है पंजाब के CM अमरिंदर सिंह ने, ऑप्शन है PM नरेंद्र मोदी, बी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, सी पूर्व PM मनमोहन सिंह, डी राजनाथ सिंह।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह जी। इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को 9 नवंबर को पाकिस्तान के करतारपुर साहिब गुरुद्वार में पहली जत्थे में शामिल होने का निमंत्रण स्वीकार किया था, ठीक है, स्वीकार किया। उसके बाद मनमोहन सिंह भी पंजाब भारत के सुल्तानपुर लोधी में मुख्य कार्यक्रम में भाग लेंगे, ठीक है। और मनमोहन सिंह यहाँ पर कहाँ जाने वाला है, भारत के सुल्तानपुर लोधी में कार्यक्रम होगा, उसमें भी भाग लेंगे, ठीक है। उसके बाद चलिए अगला चलते हैं अभी सिक्स नंबर है। ब्रिटेन की अदालत ने पाकिस्तान के दावों को खारिज कर दिया, ठीक है, और कानूनी लड़ाई में भारत के पक्ष में फैसला सुनाया जिसमें हैदराबाद के सातवें निज़ाम की निधि शामिल था, तो कितना फंड शामिल था, ठीक है। तो यहाँ पे इसका देखिए ऑप्शन दीजिए, तो ऑप्शन है इसका यहाँ पे ए 35 मिलियन यूरो, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मीटर हो गया, ये गड़बड़ है, 35 मिलियन यूरो, बी 12 मिलियन यूरो, सी 50 मिलियन यूरो और डी 45 मिलियन यूरो, ठीक है। तो सिक्स का राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, यहाँ पे जो कानूनी एक कार्रवाई चल रही थी उसके यहाँ पे ब्रिटेन अदालत यहाँ पे पाकिस्तान को ही यहाँ पे दोषी ठहराया और भारत को यहाँ पे, ठीक है, पाकिस्तान भारत दावों को खारिज कर और कानूनी लड़ाई में भारत के पक्ष में फैसला यहाँ पे सुनाया गया है, ठीक है, जिसमें हैदराबाद के सातवें निज़ाम की निधि शामिल थी, कितना फंड शामिल किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्स का 35 मिलियन यूरो। इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। भारत ने यूके कोर्ट में हैदराबाद के सातवें निज़ाम से संबंधित 35 मिलियन यूरो के फंड पर दशकों पुरानी कानूनी कार्रवाई विवाद यहां पे जीत लिया है, जबकि पैसे पर पाकिस्तान का दावा खारिज कर दिया गया है, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो आज का यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत भारत ने 60 करोड़ लोगों के लिए कितने शौचालय का निर्माण करवाया, ठीक है। तो ऑप्शन ए 11 करोड़, बी 15 करोड़, सी 10 करोड़ और डी 20 करोड़। तो 60 करोड़ लोगों के लिए यहाँ पे कितना शौचालय का निर्माण कराया गया है स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 करोड़ शौचालय, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पीएम मोदी ने 2 अक्टूबर 2019 को भारत को खुले में शौच मुक्त घोषित किया। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि 60 महीनों में सरकार 60 करोड़ से अधिक लोगों को 11 करोड़ शौचालय प्रदान करने में सक्षम है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आज का 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, अब तक की सबसे मजबूत चांदी धातु पिछले विश्व रिकॉर्ड की तुलना में कितना % अधिक मजबूत है, ठीक है। तो अब तक जो सबसे मजबूत चांदी यहाँ पे बनाया गया है वो पिछला जो चांदी था उससे कितना % यहाँ पे मजबूत है, ऑप्शन ए 28%, बी 35%, सी 42% और डी 54%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 का यहाँ पे सी, ठीक है, यहाँ पे 42% राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, वॉर्मेट विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने अब तक की सबसे मजबूत चांदी बनाई है। टीम ने जिस नई धातु का आविष्कार किया है वह पिछले विश्व रिकॉर्ड की तुलना में 42% अधिक मजबूत है, ठीक है। वो जो चांदी अभी जो बनाई गई है 42% अधिक मजबूत है। मजबूत धातु बनाने के लिए एक जटिल तकनीकी का उपयोग किया गया है। तो यह कहाँ पर बनाया गया है, तो वारमेट विश्वविद्यालय में बनाया गया, ठीक है, वारमेट विश्वविद्यालय में बनाया गया है। अब चलिए आज का यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन है, सरबत द भाला एक्सप्रेस डैश के बीच चलती है। तो सरबत द भाला एक्सप्रेस किसके बीच चलती है, ऑप्शन ए नई दिल्ली और, ठीक है, नई दिल्ली और लोहियन के बीच, ऑप्शन बी न्यू दिल्ली और जयपुर के बीच, उसके बाद सी न्यू दिल्ली और यहाँ पे अमृतसर के बीच और डी न्यू दिल्ली और चंडीगढ़ बस्ती के बीच चलती है। तो सरबत द भाला एक्सप्रेस किसके बीच चलती है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर इसका हो जाएगा, नई दिल्ली और लोहियन के बीच चलती है सरबत द भाला एक्सप्रेस। इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। ए भारतीय रेलवे ने श्री गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती के अवसर पर सरबत द भाला एक्सप्रेस का अनावरण किया। ट्रेन नंबर 22479 और 22480 सरबत द भाला एक्सप्रेस नई दिल्ली और लोहियन खास के बीच चलती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप लोग का एक और क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है, सरबत द भाला एक्सप्रेस कब किसके जन्मदिन के अवसर पर चलाया गया, तो गुरु नानक जी के यहाँ पे 550वीं जयंती पर चलाया गया सरबत द भाला एक्सप्रेस, ट्रेन नंबर 22459 और 22479 और 80, ठीक है। और आज का 10 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फ्रांसीसी ऑफ असीस का पर्व कहाँ मनाया गया है, ठीक है, या कब मनाया जाता है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ए 13 जुलाई, सॉरी ऑप्शन है ए 13 जुलाई, बी 24 अगस्त, सी 4 अक्टूबर और डी 26 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, फ्रांसीसी ऑफ असीसी का पर्व कब मनाया जाता है, तो 4 अक्टूबर, ठीक है, कल ही मनाया गया था, सी राइट आंसर इसका हो जाएगा।
इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सेंट फ्रांसिसी ऑफ असीसी 1182 से 1226 सबसे लोकप्रिय ईसाई संत है, ठीक है। सेंट फ्रांसिसी जो थे 1182 तक और 1226 तक ये रहे, ये एक लोकप्रिय ईसाई संत है, ठीक है। अर्थ और सेवा का जीवन चाहने वाले के लिए उनकी उज्ज्वल आत्मा एक बीकन है, ठीक है। जानवरों के संरक्षण संत फ्रांसिसी ऑफ असीस का पर्व 4 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो कल ही इसका संत फ्रांसिसी का यहाँ पे पर्व मनाया गया था, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि डेली करंट अफेयर के अंतर्गत हमारे आता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।